हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लासेस डॉट विनीता चौहान डॉट कॉम। क्लासेस डॉट विनीता चौहान डॉट कॉम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आप लोग इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए और मन को प्रसन्न रखिए। और दिमाग में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं कि एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी, तो बच्चों एग्ज़ाम होगी, आप ये मत मानिए। और मैं ये दिल से हम चाहते हैं सभी के एग्ज़ाम होना भी चाहिए। कितना टालोगे इस एग्ज़ाम को, बच्चे कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, तो हमें सभी को ये मिलकर प्रयास करना चाहिए कि एग्ज़ाम हो। और आप देखिए कोविड की जो परिस्थिति है उसमें कोई भी बचना बहुत ही मुश्किल है, तो ये कोविड के साथ तो हमें जीना सीखना ही होगा, हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, ठीक है, कोरोना से। और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए पूरा, जैसा कि आपका आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम की जो शिक्षा मंत्री ने आज बयान दिया, मैं पूरी तरीके से उसका समर्थन करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि नीट और जेईई वाले जो बच्चे हैं वो भी बहुत परेशान है, और आप हमारे लाइब्रेरी साइंस के बच्चे तो बहुत ही परेशान हैं, पिछले 2 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रही, एग्ज़ाम हमें करना ही है। आप अपने दिमाग को स्थिर रखिए, स्ट्रेटजी बनाइए, और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन के लिए डॉक्टर एस पी सूद सर की बुक बहुत अच्छी है, वो ले लीजिए। प्लस अगर आपके पास 5000 वन लाइनर बुक है तो वो पूरा थर्ड ग्रेड का कोर्स आपका कवर कर रही है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपका पेपर उससे बाहर जाएगा। आपने ये 2 चीज़ें ले ली, डैट इज़ इनफ। अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है बच्चों। और बात रहती है हमारी कि अगर आपके पास 5000 वाली बुक नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो मार्केट से बाहर हो गई थी, तो फिर 7200 वाली बुक भी आपकी अच्छी है। या फिर आप बाकी जो बुक्स हैं, मैं किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि मैंने नहीं देखी है किसी की भी बुक, लेकिन फिर भी आप जो है लाइब्रेरी साइंस के 25 मॉडल टेस्ट पेपर है हमारे धरोहर के, वो भी अच्छे हैं। लू वाली बुक जो है, जो आपकी थ्योरी वाली बुक है, उसमें गलतियां हैं और मैं कई बार आकर बोल भी चुकी हूँ, और अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप लोग टेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़िए, तो उसमें मेरी 25 मॉडल टेस्ट पेपर है वो पढ़ सकते हैं आप। फिर उसके बाद में हरीना आनंद और विनीता चौहान की एक बुक है, दैट इज़ ऑल्सो गुड। 5000 वन लाइनर आपके पास है तो 7200 लेने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं है तो 7200 वाली किताब ले लीजिए। और सेकेंड ईयर के लिए आप सूद सर की बुक पढ़ लीजिए, क्योंकि सेकेंड ईयर पर सूद सर कैटलॉगिंग में उनके जितने कमांड में वो मेरे गुरु हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब सर की जो नॉलेज है दैट इज़, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका पेपर। हमारा प्रश्न है पहला, डबलिन कोर मेटा डेटा में होते हैं। अच्छा, अब आप इसके अंदर वो करेंगे, कमेंट करेंगे हम बुक कहाँ से खरीदें, तो जो हमारी धरोहर की मेरी 5 पुस्तकें हैं वो हैं आपकी शिव बुक डिपो चौड़ा रास्ता में, अमेजॉन पे भी उपलब्ध है। आप अमेजॉन पे भी धरोहर डालेंगे, धरोहर बाय विनीता चौहान, तो आपकी बुक्स आ जाएंगी। सूत्सर की बुक अदिति बुक डिपो राजा पार्क, गूगल करेंगे अदिति बुक डिपो तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उनकी बुक पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा भी है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके पता कर लीजिए। किताबें कहाँ से मिलेगी, कितने दिन में पहुँचेगी, मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं होती, प्लीज़ आप मैसेज ना करें। शिव बुक डिपो चौड़ा रास्ता गूगल करें, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट या व्हाट्सअप करके पता कर लें। एंड अदिति बुक डिपो राजा पार्क से आपको सूत्सर की बुक का पता लग जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। कल मैंने आपका ये रिकॉर्ड कर दिया था बट आवाज़ सही नहीं हो पाई, तो मैंने वीडियो को लाइव करने के बाद में, फिर उसको पब्लिक करने के बाद में पर्सनल मैंने कर लिया, और अब दोबारा से मैं आपको, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे, जैसा बच्चे हमेशा बोलते हैं मेरे लिए कि जब भी कोई क्लास होती है तो नया कुछ होता है, बिल्कुल जो आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं देखिए बिल्कुल नया होगा। बाद में आप बोलेंगे कि मैडम ये हमको नहीं कराया, तो मेरा तो हर क्लास में, जैसा कि मेरा, मैं पढ़ती हूँ और नई नई चीज़ें आपको बताती हूँ, तो जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन है वो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा, डबलिन कोर मेटा डेटा में होते हैं, कोई भी बता देगा ये, डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने तत्व होते हैं, कितने घटक होते हैं। हम सभी जानते हैं डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने घटक हैं, 15, ठीक है। डबलिन कोर मेटा डेटा एक ऐसा शब्दों का सेट है
जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, देखिए ध्यान से आप चाहे तो लिख लीजिए, डबलिन कोर क्या है, शब्दों का एक सेट होता है, ये है एक सेटा, मेटा डेटा इज एक शब्दों का सेट है जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जैसे ऑडियो वीडियो वेब और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो वीडियो तो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे बुक्स पेंटिंग्स आदि के वर्णन हेतु 15 तत्वों का ये सेट होता है। अब डबलिन कोर से और क्या क्या आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 15 घटक भी पूछ लेते हैं डबलिन कोर मेटा डेटा के 15 एलिमेंट्स क्या क्या हैं, बट थर्ड ग्रेड में तो शायद मे भी ना पूछें, पर पूछ लिया जाता है ये लाइब्रेरी साइंस के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड में आपका क्या क्या पूछा जा सकता है, डबलिन कोर मेटा डेटा किस पर आधारित है, तो नोट डाउन करिए, ये आधारित है ANSI NISO ठीक है, Z39.85 पर आधारित है, ये भी पूछते हैं, डबलिन कोर आधारित है ANSI NISO या Z39.85 पर आधारित मेटा डेटा जिसमें कि 15 घटक या 15 तत्व भी पूछ सकते हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट एलिमेंट, 15 एलिमेंट मेटा डेटा ये होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम, ठीक है, एक चीज और लिख लीजिए आप, इस ये कब बना है डबलिन कोर मेटा डेटा, कब आया है, 1995 में, 1995 में डबलिन, इसका नाम डबलिन कोर मेटा डेटा क्यों है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था, इसकी घोषणा की गई थी वो डबलिन ओहियो में ही की गई थी, डबलिन ओहियो में ही इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबलिन कोर मेटा डेटा, डबलिन ओहियो में इसकी शुरुआत हुई थी, दैट्स व्हाई दिस इज डबलिन कोर मेटा डेटा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हम, थ्री कार्ड प्रणाली का निर्माण किसने किया, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किसने किया है, थ्री कार्ड प्रणाली का निर्माण किया है डॉक्टर SR रंगनाथन ने, पहला प्रश्न। दूसरा, त्रिपत्रक प्रणाली का संबंध किससे है, इसका संबंध है पीरियोडिकल से, या इसका संबंध हम क्या किससे कह सकते हैं, सामयिक प्रकाशनों से, सामयिक प्रकाशन, या और क्या बोल सकते हो बच्चों इसका, सीरियल से, धारावाहिक से, ये सभी से संबंध है, त्रिपत्रक प्रणाली का संबंध है, सीरियल या धारावाहिक, सबका मीनिंग सेम ही है, ठीक है। पहला प्रश्न, त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किसने किया, SR रंगनाथन ने, या निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली पीरियोडिकल, सामयिक प्रकाशन, धारिक प्रकाशन, सीरियल पब्लिकेशन से है, थ्री कार्ड प्रणाली का संबंध है, इसका निर्माण डॉक्टर रंगनाथन ने कब किया था, 1930 में, 1930 में उन्होंने त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किया, कहाँ किया था, इसका निर्माण किया था उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में, कहाँ किया था, मद्रास विश्वविद्यालय में डॉक्टर रंगनाथन ने त्रिपत्रक प्रणाली का निर्माण किया था, ठीक है। अब त्रिपत्रक कौन से होते हैं, ये त्रिपत्रक कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ, तीन पत्रक में पहला पत्रक होता है आपका रजिस्टर कार्ड, रजिस्टर कार्ड, ठीक है बच्चों, रजिस्टर कार्ड में नोट डाउन करिए, रजिस्टर कार्ड में कोई भी सामयिक प्रकाशन है, जैसे मान लीजिए आपका हमारा ILA बुलेटिन है, या जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एब्स्ट्रैक्ट है, या कोई समाचार पत्र है, ये सभी कहलाते हैं पीरियोडिकल्स, जो एक निश्चित पीरियोडिसिटी के बाद प्रकाशित होते हैं, इसका हेडिंग जैसे राजस्थान पत्रिका, या टाइटल, उसका पब्लिशर जैसे राजस्थान पत्रिका का पब्लिशर कौन है, फिर उसके बाद में उसकी पीरियोडिसिटी डेली, ऑर्डर किस ऑर्डर में आ रहा है, वॉल्यूम उसका कौन सा वॉल्यूम है, उसकी कौन सी संख्या है, आदि जानकारी दी जाती है।
रजिस्टर कार्ड में। दूसरा कार्ड कौन सा है आपका? चेक कार्ड। ये बच्चों चेक कार्ड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है, इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। चेक कार्ड किस लिए होता है? चेक कार्ड होता है सामयिक प्रकाशनों की, बताता है हमें कि ये जो हमने अगर अपनी लाइब्रेरी में 10 सामयिक प्रकाशन या 10 पीरियोडिकल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनमें से 10 के 10 आ गए या नहीं, उसको ये करता है चेक। और अगर 10 में से 8 आ गए हैं और 2 आपके नहीं आए हैं तो उन 2 के लिए क्या भेजता है? ये रिमाइंडर। क्या भेजता है बच्चों? रिमाइंडर या स्मरण पत्र। तो आपका प्रश्न अगर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से कार्ड का उपयोग स्मरण पत्र के लिए किया जाता है, या स्मरण पत्र क्या है? स्मरण पत्र है आपकी लाइब्रेरी में जितने पीरियोडिकल्स के आपने पेमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है, उनमें से जो पत्रिकाएं नहीं आ रही उनकी चेक कार्ड से जानकारी लेना और उसको जितने जिस पब्लिशर से हमने मंगाया उसको स्मरण या रिमाइंडर भेजना कि भैया हमारे 2 पत्र या 2 हमारे सामयिक प्रकाशन भेजो। और तीसरा होता है आपका, वो कहलाता है क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड। क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड। तो जो ये तीसरा हमारा कार्ड है क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड है, क्योंकि इसका क्लासिफाई है, इसमें जैसे हमने किसी भी सामयिक प्रकाशन का टाइटल लिखा, इसमें भी सामयिक प्रकाशनों से, चेक कार्ड में भी सामयिक प्रकाशनों के टाइटल से ही एंट्री होती है, लेकिन क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड में किसी भी सामयिक प्रकाशन के सब्जेक्ट से एंट्री होगी। जैसे अगर मान लीजिए आपका रजिस्टर्ड कार्ड में पहले हम ए से संबंधित, जैसे एक्सेशन लिस्ट ऑफ साउथ एशिया, फिर बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, फिर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, फिर इस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे रजिस्टर्ड कार्ड में ए से जेड। लेकिन आपका जो तीसरा कार्ड है हमारा विषय पे आधारित होता है, क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड है, उसमें हम सबसे पहले क्या लेंगे? नेचुरल साइंस। या मान लीजिए आपका डीडीसी के हिसाब से ले रहे हैं तो पहले हम लेंगे जनरलिया, फिर हम लेंगे फिलॉसफी, फिर हम रिलीजन, फिर हम सोशल साइंस, फिर लैंग्वेज, 100, 200, 300, 400 जो हैं, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज होता है तीसरा क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपका पूछा था आपसे कि चेक कार्ड किससे अरेंज होता है, तो आप आंसर देते हो कि चेक कार्ड अरेंज होता है आपका टाइटल से। इसी तरह क्लासिफाई इंडेक्स कार्ड किससे अरेंज होता है? सब्जेक्ट से, विषय से या क्लास नंबर से। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक प्रोलिगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है? पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, ये लिखी है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। प्रोलिगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसने लिखी है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लिखी गई ये किताब है। ठीक है बच्चों, अब ये प्रोलिगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कब आई थी? 1937 में आया था हमारा इसका पहला एडिशन। प्रोलिगोमेनाटो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन कब आया? 1937 में। ठीक है, दूसरा एडिशन कब आया? 1957 में। सेकंड एडिशन आया आपका 1957 में, 1957 में। तीसरा एडिशन कब आया? 1967, 1967 में आया हमारा तीसरा। पहला कब आया बच्चों? 37। दूसरा कब आया? 57। 57 है ये, कंफ्यूज ना होना, इसमें राइटिंग बहुत माशाल्लाह खूबसूरत आ रही है इसमें। अब इतनी खूबसूरत राइटिंग तो मेरी है नहीं, बट अब ये जो टेक्निकल टूल्स हैं मैं बहुत ज़्यादा यूज टू हूँ नहीं, कोशिश तो करती हूँ लेकिन मैं टाइम को ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि आपका टाइम ख़राब ना हो, राइटिंग डजेंट मैटर। ठीक है, 37, 57 और 67, ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अच्छा, अपनी ये क्या है प्रोलिगोमेनाटो क्लासिफिकेशन? जो हमारी सीसी का पहला एडिशन आया था वो कब आया था? कोलन क्लासिफिकेशन का 1933 में, और ये कब आई है? 37 में।
अब दूसरा एडिशन आपका सीसी में का कब आया था? 1939 में। बच्चों, प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पुस्तकालय विज्ञान की अभिधारणाएं, सिद्धांत, सूत्र आदि का वर्णन किया है। जो 1967 वाला एडिशन है उसमें लाइब्रेरी साइंस की 13 अभिधारणाएं, 43 कैनन्स या उपसूत्र या पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र आदि का वर्णन किया है। तो जो सीसी का पहला एडिशन है वो तो जनरल किसी भी सिद्धांत पर आधारित नहीं था, लेकिन दूसरा एडिशन है वो आधारित था प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण पर, यानी कुछ सिद्धांत या कुछ अभिधारणाएं या कुछ सूत्रों पर आधारित था दूसरा कोलन क्लासिफिकेशन का। और जो कोलन क्लासिफिकेशन में बाकी जैसे जैसे सूत्र जोड़ते गए उसी के अकॉर्डिंग कोलन क्लासिफिकेशन में उसको अप्लाई करते गए। ठीक है, तो ये है आपका जो ये सॉरी प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इसमें सहायक कौन थे? प्रोलिगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो लिखी है उसमें सहायक के रूप में किसने काम किया है? एम ए गोपीनाथ ने इसमें सहायक के रूप में काम किया है। ठीक है, और इसका पब्लिशर सीरियल्स, अभी जो इसका पब्लिशर हो रहा है सीरियल्स, सीरियल्स का फुल फॉर्म क्या है? शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, एल आई एस, सरलेस, एस आर ई एल आई एस, सरलेस के द्वारा। और पब्लिशर सरलेस तो इसके सरलेस के तत्वाधान में, और पब्लिशर कौन है? एशिया पब्लिशिंग हाउस। ये सरलेस ने, रंगनाथन भी पब्लिकेशन है उसकी जिम्मेदारी सरलेस ने कब ली थी? 1961 में ये बना और 63 में रजिस्ट्रेशन हुआ, तब से सरलेस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है, यानी कि इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी सरलेस पर है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डीडीसी का 19वें संस्करण में मुख्य वर्ग 570 किसको इंगित करता है? 570 किसको प्रदर्शित करता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 570 जो है वो आपका लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताऊं कि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीडीसी की पहली समरी है जिसमें कि 10 मेन क्लास बताइए उसको याद कर लें, दूसरी समरी है जिसमें 100 मेन क्लास बताइए उसको भी अगर आप याद कर लेते हैं तो डीडीसी का ये जो प्रश्न आपको 570 या 450 या 370 या 420 जो भी पूछा जा रहा है वो आप उसको आंसर देने में सक्षम होंगे। एक क्वेश्चन आपका पक्का है और याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे 100 अगर आपका मान लीजिए फिलोसफी एंड थ्योरी है तो फिलोसफी एंड थ्योरी से संबंधित के लिए आप 100 के नीचे ही जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम कहते हैं भौतिकी, भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का नंबर डीडीसी में कितना है? 530। रसायन शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नंबर इसके अंतर्गत कितना दिया गया है? 540। जीव विज्ञान का नंबर कितना है? 570। पादप विज्ञान, पादप विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी, बॉटनी। और बॉटनी का नंबर कितना है? 580। बॉटनी का नंबर 580। ये चारों मैंने बता दिए। इसका नंबर कितना है? फिजिक्स 530, केमिस्ट्री 540, बॉटनी 580 एंड आपकी जिसको हम बोलेंगे लाइफ साइंस, वो लाइफ साइंस नहीं, 570। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बायोलॉजी, ये भी पूछ सकते हैं, तो बायोलॉजी का कितना है? 574। ये बच्चों आसान तो नहीं है ना, 100 में आपको नंबर बताऊं, आपको मैं बता रही हूँ डीडीसी की द्वितीय समरी, ये याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। 100 वाली जो समरी है वो याद कर लीजिए
और आप देखिए बहुत आसान है, आप उसमें DDC की सेकंड समरी गूगल करिए, आराम से आपको मिल जाएगी गूगल पे, डाउनलोड करिए और उसको याद कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम IFAP किसके द्वारा जारी किया गया है? इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम को जारी किया है यूनेस्को ने। IFAP को यूनेस्को ने कब शुरू किया है? 2001 में IFAP को यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है, और कब शुरू किया है? 2001 में। यूनेस्को ने शुरू किया है ये IFAP प्रोग्राम। क्या है ये? सभी नॉलेज सोसाइटीज, यानी कि जो वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, सभी नॉलेज सोसाइटीज को इंफॉर्मेशन तथा नॉलेज के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय डिस्कशन करना, इंटरनेशनल लेवल पर आप IFAP प्रोग्राम में जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और पॉलिसी को निर्मित कर सकते हैं, इसके लिए यूनेस्को ने बनाया है IFAP प्रोग्राम 2100 में। यूनेस्को के द्वारा विद्वानों के डिस्कशन और पॉलिसी निर्माण करने हेतु किया गया एक ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम नेटवर्क प्रारूप विज्ञान टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभि से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाता है? ठीक है, इसका आंसर है सी, स्टार टोपोलॉजी। वो कह रहा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें जो केंद्रीय जो सेंट्रल नोड से जुड़े होते हैं वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाती है? स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और एक और प्रकार की टोपोलॉजी होती है, वो कौन सी टोपोलॉजी है बेटो? बच्चों जो आपकी नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये टोपोलॉजी के प्रकार हो गए। ठीक है, अब हम आते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में, पहले देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला नेटवर्क होता है जिसमें एक केंद्रीय नोड, जो केंद्रीय नोड है इससे बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, जिसमें एक नोड केंद्रीय नोड और डिवाइस से बाकी सारे जो कंप्यूटर हैं वो जुड़े होते हैं। जो केंद्रीय नेटवर्क डिवाइस है ये काम करता है सर्वर के रूप में, और बाकी जितने भी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो इसके क्लाइंट के रूप में काम करते हैं। तो ये पूछ रहा है जिसमें सारे नोड, तो केंद्रीय से किसमें जुड़े होते हैं? स्टार टोपोलॉजी में। तो दैट्स व्हाई आंसर इज सी। अब हम आते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या है। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक रिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब अगर मान लीजिए इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को कोई संदेश देना है तो हम पूरा बीच वाले कंप्यूटर के माध्यम से ही दे सकते हैं। रिंग टोपोलॉजी, सभी कंप्यूटर में एक रिंग की तरह गोलाकार होते हैं और डेटा को यदि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है तो बीच के एक कंप्यूटर से होकर ही गुजरेगा, ये डायरेक्ट डेटा नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। जो मैश टोपोलॉजी है इसमें क्या होता है, इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोडों से, यानी प्रत्येक नोड है वो नेटवर्क के अन्य सभी नोडों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है आपकी वो है ट्री टोपोलॉजी। सॉरी, बस तो थी बच्चों इसमें, ट्री टोपोलॉजी नहीं थी, बस तो थी आपकी इसमें, ट्री टोपोलॉजी नहीं थी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? ट्री टोपोलॉजी में स्टार और बस दोनों के लक्षण होते हैं। किस किस के? स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों को मिलाकर बनती है ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है, ट्री टोपोलॉजी में स्टार की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है। ठीक है, और बस की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही नोड से,
या एक ही केबल से जुड़े होते हैं। अब हम आते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर में एक ही सभी कंप्यूटरों को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, एक ही तार से एक ही क्रम में इसको जोड़ा जाता है। तो ये है आपकी टोपोलॉजी के कुल 5 प्रकार, रिंग, बस, स्टार, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। और इसका आंसर है स्टॉप, जिसमें कि एक केंद्रीय या एक सेंट्रल नोड होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट आते हैं हम, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, LISTA। ये क्या कह रहे हैं, लाइब्रेरी एंड टेक्नोलॉजी स्कल साइंस एब्स्ट्रैक्ट यानी कि स्टा। इसको अगर आप फुल फॉर्म करेंगे तो ये होगा लिस्टा। क्या उपलब्ध है, तो जो आपका ये लिस्टा है इसका आंसर है प्रोक्विस्ट। लिस्टा का जो प्रकाशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रोक्विस्ट के द्वारा लिस्टा का प्रकाशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, प्रोक्विस्ट क्या है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन कंपनी है। प्रोक्विस्ट जो है ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन कंपनी है, ठीक है। और जो कब स्थापित हुई है प्रोक्विस्ट, 1938 में, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफॉर्मेशन कंपनी 1938 में स्थापित हुई है। कहां स्थापित हुई, यूएस। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन है आपका